महात्मा ही होते हैं, और ऐसे लोग दोबारा बहुत मुश्किल है मिलना। उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, इतना लोगों के साथ करती थी कि शायद आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए करता हो, पैसे से बीमारी आजारी हो या हर चीज के लिए वो तुरंत खड़ी हो जाती थी और उनका साथ देती थी, पैसे से कौड़ी से हर तरीके से मदद करती थी। इनसे भी बातचीत करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। आज गमगीन माहौल है, शोक का दिन है, साधना अब बीच में नहीं है, मुलायम सिंह यादव के लिए क्षति है, पार्टी के लिए क्षति है। बहुत दुखद की बात है कि हमारी मैडम यहाँ पे, मैडम का ड्राइवर था। अच्छा, ये साधना जी के ड्राइवर थे, क्या नाम है? मोहम्मद नायाब खान। और मेरे लिए तो सब कुछ समझ लिए वही थी, और उनके बिना तो कुछ नहीं समझ लिए इस कोठी में, या काफी लोग इन्हीं से जुड़े हुए थे, काफी लोग मैडम के साथ जुड़े हुए थे, वो सब अब सब परेशानियों का सबब है, क्या कहा जा सकता है, जो भगवान को मंजूर होता वही होता है। ऐसा व्यक्तित्व था उनका, किस तरह का नेचर, क्या था उनका? बहुत अच्छी नेचर की थी, ऐसे लोग महात्मा ही होते हैं, और ऐसे लोग दोबारा बहुत मुश्किल है मिलना। उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। किन्नर समाज के भी अध्यक्ष मिली थी, उनका कहना था कि उन्होंने कहा कि वो झोलियां भर देती थी हम लोग की, जब शक वो हकीकत है कि जो इतना लोगों के साथ करती थी कि शायद आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए करता हो, पैसे से बीमारी आजारी हो या हर चीज के लिए वो तुरंत खड़ी हो जाती थी और उनका साथ देती थी, पैसे से कौड़ी से हर तरीके से मदद करती थी मैडम हमारी। कब से जुड़े थे उनसे, कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? करीब 6-7 साल हो गए। लखनऊ दिल्ली? लखनऊ जी। मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात आपकी होती रही होगी? बिल्कुल, वही है ही है तो मुलाकात। केमिस्ट्री की बहुत बात होती है कि लकी चाम मानते थे साधना को मुलायम सिंह। बिल्कुल भाई, उनकी श्रद्धांजलि वो थी, उनकी वाइफ थी, उनको तो मानते ही थे नेताजी। कहा जाता है कि राजनीतिक जीवन में भी उनके जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई थी जब से साधना उनके जीवन में आई थी। अब इतना तो हमें नहीं, इतना हमें मालूम नहीं है, मगर साहब भी बहुत उनको चाहते थे और वो भी बहुत मानती थी नेताजी को। ये देखा आपने गौरांशी कि ये वो ड्राइवर हैं जो 5-7-8 साल से लगभग साधना यादव की गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, नेचर उनका कैसा था, और मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी थी, इस बारे में चर्चा की है। और भी लोगों से बातचीत करूंगा मैं एक बार। आज गम का दिन है पार्टी के लिए, क्या कहेंगे बड़े भाई? मुझे वो आप लोग क्या कहेंगे नेता? तो देखिए गौरांशी, ये इस वक्त मौका ऐसा है कि लोग इस वक्त बोलने से भी बच रहे हैं क्योंकि वो शांत रहना चाहते हैं। इस वक्त ये मौका ऐसा, पीछे से अगर मैं लेटरल व्यू आपको दिखाऊं एक बार, तो आप इधर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको केवल पिपरी घाट पर कार्यकर्ताओं का ही हुजूम बड़ी संख्या में नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं मुलायम सिंह यादव की धर्मपत्नी साधना गुप्ता को। और ये रीजन है कि यहाँ पिपरी घाट का माहौल इस वक्त गमगीन हो चला है, और इसके चलते कार्यकर्ता भी दुखी नजर आते हैं।